कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका भाई आपके साथ फिर से आ गया है। तो मैं अभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप लोग को किस पंडाल पे क्या स्थिति है। तो मैं अभी बारिश के कारण कहां क्या स्थिति है, मैं अभी हूं गौशाला में। तो गौशाला में कुछ इस तरह का नज़ारा है, और यहां से निकल के आप हवाई अड्डा चौक जाते हैं तो सड़क पर कुछ इस तरह का नज़ारा दिखने वाला आप लोग को। जल जमाव हो गया है। ऐसे आप लोग ऊपर वाले सड़क जो है बन रहा है उस पर से जा सकते हैं, ये सड़क पर से तो यहाँ सही मिलेगा थोड़ा बहुत। और आ गए हैं अभी हम हवाई अड्डा चौक, और हवाई अड्डा चौक पर कुछ इस तरह से नज़ारा दिखने वाला। बारिश पड़ रहा है फिर भी यहाँ पूजा हो रहा है, तो यहाँ भी आ सकते हैं। रास्ते में थोड़ा सामना करना पड़ेगा कीचड़ का। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं एल डब्ल्यू सी क्लब हवाई अड्डा चौक से बगल से ही देवरिया वाले रास्ते से जा सकते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है वहाँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरह का जल जमाव। और अंदर जैसे ही घुसिएगा, अंदर घुसने के बाद स्थिति ख़राब है LWC क्लब का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कीचड़ इस तरह के देखने को मिल रहा है। देख ही रहे आप लोग, कीचड़ बहुत ज़्यादा यहाँ हो गया है। तो यहाँ पे घूमना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कटिहार में सबसे ज़्यादा अगर भीड़ लगता था तो यहीं पे पूरा मेला होता था बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग किस तरह से कीचड़ यहाँ पे हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया है। तो पूजा प्रशासन देखिए रात तक कुछ व्यवस्था कर पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ मेला बहुत ही सुंदर लगता था। तो आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर कीचड़ हो गया है। तो यहाँ आइएगा तो अपना सोच समझ के आइएगा, तो क्योंकि अगर आप जूते वगैरह पहन के आते तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। दुकानदार बेचारा बहुत ही परेशान है। यहाँ अगर आते हैं तो ज़रूर किसी न किसी से कुछ खरीदिए, क्योंकि साल भर से लोगों को उम्मीद रहती है कि पूजा में कुछ कमाएंगे, और कुछ पूंजी ये लोग लगाते हैं यहाँ पर। और अगर इनका दुकान नहीं चला तो थोड़ा सा स्थिति ख़राब हो सकती है, क्योंकि साल भर लोग इंतज़ार करते हैं और इस तरह का आप लोग को सामना करना पड़ेगा कीचड़ का। देख सकते हैं मेरा पाँव का बुरा हाल हो गया है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं ला रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और झूले वाली एरिया की बात करें तो कुछ इस तरह का नज़ारा होने वाला है। होटल वगैरह कुछ इस तरह का दिखने वाला है। बहुत ही ज़्यादा परेशान है गोलगप्पे वाले कि पता नहीं बारिश का क्या होगा। तो चलते हैं फिलहाल इसके अंदर, और इसके अंदर के नज़ारे को आप लोग दिखाएंगे। रास्ते में कुछ इस तरह का कीचड़ थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा आगे आके, लेकिन मेन गेट पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। तो आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह का होने वाला। अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे में कीचड़ देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आप लोग को जाने में दिक्कत हो सकती है, तो सही से जाना है। यहाँ पे अंदर आ गए हम लोग, अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आप लोग को। बारिश होने के कारण पंडाल के अंदर कुछ पूजा भी हो रही है, फिर भी पूजा हो रही है। यहाँ पे माँ का यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, तो कुछ इस तरह से अंदर में नज़ारा देखने को मिल जाएगा। बाहर निकलने के बाद फिर से मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा LWC क्लब का नज़ारा, कुछ इस तरह का नज़ारा दिखने वाला है। अगर यहाँ आप लोग जाते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब जितने भी दुकानदार हैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाइएगा। बेचारे सुबह से लगे हुए हैं, पूरा एकदम दुकान को ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इन लोगों का सामान नहीं बिक रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेला लग ही नहीं रहा है। देखिए रात तक कुछ अच्छा व्यवस्था समिति के द्वारा कर सके समिति, तो लोग जाएंगे घूमने। कुछ इस तरह का कीचड़ मेन गेट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख लिया नज़रा, आप हम लोग चलते हैं यहाँ से, अभी चलेंगे यज्ञशाला, और यज्ञशाला का नज़ारा दिखाएंगे कुछ तरह से, इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल विनोदपुर आ गए हम लोग, और विनोदपुर में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाएगा आप लोग। विनोदपुर सही है, साफ़ सुथरा लग रहा है विनोदपुर थोड़ा बहुत। विनोदपुर में कुछ इस तरह का पंडाल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पानी पड़ने के बाद यहाँ का पंडाल फिर भी सही है। तो अभी विनोदपुर में भी यही पंडाल है, ये भी कुछ दूसरा पंडाल है विनोदपुर में, तो कुछ इस तरह से पंडाल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग यज्ञशाला, और यज्ञशाला का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे किस तरह का वहाँ पे है व्यवस्था। तो अभी देख सकते हैं बारिश होने के बाद कुछ यज्ञशाला इस तरह से नज़ारा यज्ञशाला का आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत आगे में आप लोग को हल्का हल्का कीचड़ मिल जाएगा, लेकिन समिति के द्वारा बोरा वगैरह बिछा दिया गया है, तो यज्ञशाला कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बारिश के कारण
कारण यहाँ पे कुछ उतना खासा प्रभाव नहीं पड़ा पंडाल पे, तो यहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से कुछ बाहर का नज़ारा दिखा दें आप लोग को। यक्षला में कुछ इस तरह से बाहर में नज़ारा दिखने वाला, बारिश पड़ रही है फिर भी आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, चलेंगे बड़ी दुर्गा मंदिर। तो बड़ी दुर्गा मंदिर जाने में अगर आप लोग आते हैं रास्ते से तो कुछ जल जमाव मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग आ गए बड़ी दुर्गा मंदिर। और बड़ी दुर्गा मंदिर में कुछ इस तरह का नज़ारा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ का भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी बारिश हो रही है लेकिन आप लोग के लिए शूट कर रहे हैं। कुछ गली में इस तरह का जल जमाव देखने को मिल जाएगा, दुकान वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ भी जाते तो कुछ ना कुछ दुकान से खरीदी है, क्योंकि ये लोग का साल भर का इंतज़ार रहता है। कुछ मंदिर पर इस तरह का स्थिति आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर भी बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं पूजा करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु देख रहे हैं आप लोग, देखने को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु मिल रहे हैं यहाँ पर। श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। आप लोग अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से देख रहे हैं, अंदर का नज़ारा। मैं भी चाहता हूँ माता से दर्शन कर लेता हूँ, आगे चलते हैं फिर आप लोग से माता रानी का दर्शन करवाते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है। जय माता दी बोल दीजिएगा, जयकारा लगा दीजिएगा आप लोग। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखने वाला, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, यज्ञ हो रहा था यहाँ पे। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, पूजा बहुत ही लोग आ रहे हैं करने के लिए। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से अगरबत्तियाँ जलाई जा रही है पूजा करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी दुर्गा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जल जमाव की स्थिति बहुत ही नाजुक है। देखिए यहाँ का स्थिति क्या होने वाला है, कुछ इस तरह से आगे में नज़र आप लोग को आ जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं आगे और भी नज़ारा दिखाते हैं, झूला वाला एरिया का क्या हाल है और दुकान वगैरह जो खुला है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ भी आते हैं तो इस तरह से बैलून वाले मिलते हैं, ज़रूर खरीदिए इनसे, इनका भी कुछ आशा होता है। मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मंदिर का। तो आगे आप लोग को इस तरह की गलियाँ में जल जमाव देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जल जमाव है यहाँ पे, क्योंकि कीचड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, दुकान वाले बहुत परेशान हैं। तो जाइएगा जरूर कुछ ना कुछ खरीदिएगा, इस तरह के गलियाँ में कुछ जल जमाव देखने को मिल जाएगा आप लोग को। मंदिर का नज़ारा आप लोग देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मंदिर का देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो यहाँ कुछ चलते हैं झूले वाले एरिया में, हम लोग आ गए झूले वाले एरिया में, कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोग। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा जल जमाव हो गया है, क्योंकि झूले वाले बेचारा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए रात तक झूला चल पाता है नहीं, कुछ बहुत ही ज़्यादा झूले वाले बेचारे लिए। कोई बात नहीं, लोग झूले वाले में बैठे हुए, मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो और भी चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं, जाइएगा तो अंकल दिख रहे हैं ना किस तरह से बैलून बेचना चाह रहे हैं। प्लीज़ इस तरह का दुकान मिले तो कुछ ना कुछ खरीदिएगा ज़रूर। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, अभी जाएँगे एम जी रोड होते हुए संघर्ष क्लब, वहाँ पे जो नाव बना है वो दिखाएंगे आप लोग को किस तरह का नज़ारा वहाँ पे है। जैसे ही आगे आप लोग आइएगा यहाँ पे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा जल जमाव देखने को मिल जाएगा। देखिए आप लोग किस तरह से जल जमाव, गाड़ी से आ सकते हैं, पैदल चलना थोड़ा इस रास्ते में मुश्किल होगा, तो गाड़ी का यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जल जमाव देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। टोटो वगैरह से जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रात में भीड़ कम ही होने वाली है अगर बारिश हुई तो। कुछ एम जी रोड में भी कुछ इस तरह का जल जमाव देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग हैं एम जी रोड में और यहाँ से हम लोग जाएँगे संघर्ष क्लब। तो एम जी रोड में कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही जल जमाव यहाँ हो चुका है, क्योंकि एम जी रोड में बहुत ही ज़्यादा जल जमाव हो जाता है आप लोग को पता है। तो इस तरह से आप लोग को, तो चलते हैं यहाँ से हम लोग चलेंगे संघर्ष क्लब और वहाँ के नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे क्या हाल है वहाँ का, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं संघर्ष क्लब के रास्ते की ओर, चल दिए हैं और चलते हैं संघर्ष क्लब के पास और वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा दिखने वाला है यहाँ पर, जो कि बारिश होने के कारण थोड़ा सा फीका पड़ गया है, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत कीचड़ हो गया। फिर भी यहाँ सही है, साफ़ सुथरा, यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन एमजी मार्ग होते हुए अगर आते हैं तो एमजी मार्ग का नज़ारा कुछ इस तरह से आप लोग को दिखने वाला है, क्योंकि एमजी मार्ग से संघर्ष क्लब जाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का जल जमाव होने पर टोटो से जा सकते हैं, बाइक से चलना भी थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आगे आप लोग को अगर आना है तो अभी बाटा चौक का नज़ारा कुछ इस तरह से है,
तो आप लोग आ सकते हैं। करते हैं कि आप लोगों को सही से जानकारी मिल गया होगा कि कैसे पूजा घूमना है, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हर एक जगह बहुत जगह पानी आ गया है। जैसे कि आप लोग LWC क्लब में भी देखे थे, पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा, वहाँ भी कादो कीचड़ है और ये कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं काफी दिक्कत है। वही दुर्गा मंदिर भी उधर भी काफी दिक्कत है, तो आप लोग सोच समझ के जाइएगा आराम से। बारिश अभी भी होते हैं, देखिए रात में भी बारिश होती है या छूट जाती है, तो देख रहे हैं।